नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। इस समय सोशल मीडिया पर कच्चा बादाम गाने की धूम मची हुई है। हर कोई इस गाने पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पब्लिश कर रहा है। वो चाहे आम आदमी हो या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी, कच्चा बादाम की खनक सबके घरों में पहुंच चुकी है। लेकिन इस गाने को गाने वाले सिंगर भुवन, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब है, पेशे से मूंगफली बेचकर किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं, उनके साथ करीब 50 लाख रुपए की ठगी हुई है। सोशल मीडिया पर फैली खबरों की अगर माने तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले कच्चा बादाम गायक भुवन अत्यंत गरीब है, और जब मीडिया उनके गांव पहुंची तो मालूम चला कि उन्हें इस गाने के एवज में 40% रेवेन्यू शेयरिंग करने के लिए कहा गया था। लेकिन भुवन को आज तक एक भी रुपया नहीं मिला, जबकि उनके गाए गाने को यूट्यूब पर 50 लाख से ज्यादा बार देखा गया है, और इस हिसाब से देखा जाए तो इस गाने से करीब 1 करोड़ की कमाई हुई है। ऐसे में भुवन को एक भी रुपया नहीं दिया गया। वो आज भी गरीब है, पहले भी गरीब थे, जबकि उनके नाम से गाना गवाकर कई सारे लोग अमीर बनते जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, भुवन पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और मूंगफली बेचकर दिन में 250-250 रुपया कमाते हैं, और इससे उनके पूरे परिवार का खर्च चलता है। उनकी माली हालत बहुत ज्यादा खराब है, और लोगों के पास जाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बदले में लोग उन्हें 150 रुपया दे दिया करते हैं। साफ शब्दों में कहें तो भुवन की शराफत का लोग फायदा उठा रहे हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर लोग भुवन से लाखों रुपए कमा रहे हैं, जबकि भुवन ज्यों का त्यों गरीब है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जिस कंपनी ने उनको अपने यहाँ बुलाकर गाना गवाकर करोड़ों रुपए कमाए, कायदे से जितना भी भुवन का हिस्सा है उन्हें देना चाहिए, क्योंकि भुवन की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए कहा जाता है कि बिना पढ़ाई लिखाई के सारा टैलेंट बेकार होता है और उसका इस्तेमाल दूसरा ही कोई करता है, जैसे भुवन के साथ हो रहा है। आपको क्या लगता है, भुवन के साथ अन्याय हो रहा है, या फिर जो लोग भुवन के साथ 150 देकर गाना गवाते हैं और लाखों कमाते हैं, वो ऐसा करके क्या हासिल करते हैं, या फिर भुवन के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे देखकर आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि भुवन को इंसाफ मिल सके, और उम्मीद करते हैं भुवन को बहुत जल्दी इंसाफ भी मिलेगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।